जब भी हमें कुछ टेस्टी खाने का मन करता है तो हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले मार्केट की समोसा कचौड़ी पर सोचो ज़रा, वो कितना महंगा और कितना अनहेल्दी रहता है ना। तो जब भी कुछ टेस्टी खाने का मन करे ना, तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। और इसकी ख़ास बात यह है ना कि ये सिर्फ आटे से बना है और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है। सो हे गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम ही नई रेसिपी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा। ये नॉर्मल वाला आटा है जिससे कि हम रोटी बनाते हैं। और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, इसे मैंने हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। इससे हमारा डो सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा मिला देंगे हाथों से और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम सॉफ्ट डो बना लेंगे, ठीक है। देखना, ये इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप इसे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे कि मैं ले जाती हूँ अपने कॉलेज। ये फर्स्ट टाइम मुझे मेरी मम्मी ने बना के खिलाया था ना, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा था और मैं इसे कभी कभी कॉलेज भी ले जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, अब हमारा डो बन चुका है, ठीक है। ये कितना सॉफ्ट बना है। इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम एक बाउल में थोड़ी सी आलू लेंगे, ये बॉइल्ड आलू है, इसे हम तोड़ लेंगे और फिर पोटैटो मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, आलू अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर, थोड़ी सी आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। देखिए, अब मैंने आलू को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे ढक कर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और देखते हैं अपने डो को। देखिए, अब डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम थोड़ा मिला देंगे हाथों से, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। और फिर इसे हम 2 भाग में कट करके एक को लेंगे और राउंड राउंड करके इसे बेल लेंगे। देखिए, अब मैंने रोटी अच्छे से बेल लिया है। अब हम उस आलू को लेंगे जिसमें हमने मसाले मिलाए थे और इसे हम इस रोटी पे अच्छे से पूरी तरीके से फैला देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। आप भी वैसे ही कर लेना, ठीक है। देखिए, अब मैंने आलू इस पे अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे। ये हल्के हाथों से भी रोल हो जाएगा, पर आपको वैसे नहीं करना है, आपको इसे टाइट रोल करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसे रोल करने के बाद आप इसके साइड्स को थोड़ा मोड़ देंगे, ठीक है। और अब हम एक चाकू लेंगे और इस चाकू से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा। देखिए, मैंने इन सबको कट कर दिया है, इसकी बहुत सारी पीसेस बन गई है, ठीक है। अब हम एक पीस को लेंगे और उसे फिंगर से इस तरह से राउंड राउंड करेंगे और फिर इसे दोनों हाथों से प्रेस कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। और अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम सारे डो का स्नैक्स बना लेंगे। इन्हें बनाने के बाद अब हम एक बाउल में फिर से 1/2 कप आटा लेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक घोल बना लेंगे, ठीक है। देखिए, अब हमारी घोल बन चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही रहनी चाहिए, ठीक है। और हमारी सारी स्नैक्स भी बन चुकी है। देखिए, ये कितनी अच्छी लग रही है, मैंने ढेर सारी बना ली है उसी से,
ठीक है। अब हम एक पैन में थोड़ी सी ऑयल लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे और इस बैटर में हम इस स्नैक्स को डालेंगे, इसे अच्छे से डिप कर देंगे, ठीक है, और फिर इसे गर्म ऑयल में डाल देंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे स्नैक्स को घोल में डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी कीजिएगा। और एक साइड जब हो जाए तो इसे टर्न कर देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे पका लेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखा आपने, मैंने सिर्फ एक कप आटे से कितना सारा स्नैक्स बनाया है ना। ये बहुत ही ईजी है बनाना और ये बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मैं जब कुछ टेस्टी बनाऊँ तो आपके घर ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।